हेलो एवरीवन, आई एम शेफ रेखा पंडित फ्रॉम इंदौर। वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं आप लोग? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और ऐसे समय में हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा ठंडा बताएं और जिसमें करना भी कुछ ना पड़े, है ना। बहुत सिंपल सी चीज, एक कोकोनट कूलर बताना चाह रही हूँ आज आपको। और वो कैसे बनेगा, घर में कोकोनट वाटर होता ही है, कोकोनट होता ही है डाब, और उसी से बन जाता है। कोकोनट कूलर दुनिया का सबसे टेस्टी और सिंपल मॉकटेल है और एक स्टार्टर ड्रिंक है, वेलकम ड्रिंक भी इसे आप कह सकते हैं, और बहुत आसानी से बन जाती है। देखिए, हमें जो चीजें उसके लिए लगेंगी उसमें बता रही हूं। देखिए, हमें लगेगा एक डाब, मतलब एक नारियल, और नारियल पानी को तोड़ के हमने पानी निकाल लिया है और उसमें से हमने उसको निकाल के उसकी पतली सी मलाई वो भी हमने निकाल ली है। तो एक नारियल, उसका पानी और उसकी मलाई, बस इसके अलावा हमें इसमें कोई फ्लेवर वगैरह कुछ नहीं चाहिए। हमने लिया नारियल पानी और उसकी मलाई। अब करना क्या है हमें वो बताती हूँ। देखिए, हमने यहाँ पर लिया है एक न्यूट्री ब्लेंड जो कि पर्सनल न्यूट्री ब्लेंड के नाम से आता है, और इसके अंदर मैं डाल रही हूं ये मलाई, और उसके बाद उसमें ये कोकोनट का वाटर डाल दिया। इसको मैं बंद कर दूंगी। कोई फ्लेवर, कोई शुगर इसमें हमें कुछ नहीं डालना, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज है, और इसको मैं लगा दूंगी। जैसे ये फिट हो जाएगा हम इसको ऑन करेंगे। ये हो गया और इसको मैं निकालूंगी। इसको पर्सनल इसलिए कहते हैं कि एक एक जने के लिए घर में ये अलग रहे तो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने ये बनाया अपना कोकोनट कूलर और फिर इसको मैंने बंद कर दिया, और बंद करके मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी ठंडा करने के लिए। और इसको मैं डायरेक्टली इससे पी सकती हूँ मैं चाहूँ तो, और नहीं तो मैं एक आइस वाले इसमें डालकर, बहुत ही टेस्टी लगता है ये, बहुत न्यूट्रिटिव है, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, बहुत नेचुरल है। अगर कोई मुझसे कहे कि रेखा तुम कौन सा मॉकटेल पीना चाहोगी, तो मैं बोलूंगी कि मुझे यही चाहिए। और देखो, इसके अंदर हम स्ट्रॉ डाल देंगे और इसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। कुछ भी नहीं है, एक मिनट का काम है। देखिए, ये इस तरह से हमने सर्विंग किया है।